हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फेल्योर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय रेलवे में जो एयर ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है उसमें एक डिवाइस यूज की जाती है, APMD ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉनिटरिंग या मॉडिफिकेशन डिवाइस। ये किस तरह से काम करती है, इसको कहाँ पर लगाया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ एयर ब्रेक सिस्टम। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो कट ऑफ एंगल कॉक दिखाए गए हैं। दो कट ऑफ एंगल कॉक हैं, ये व्हाइट कलर का जो है ये हमारा फीड पाइप का एंगल कट ऑफ एंगल कॉक है, और ये जो हरे कलर का दिख रहा है हमको, हल्का हल्का हरा कलर, ये हमारा ब्रेक पाइप का कट ऑफ एंगल कॉक है। ये एयर होस पाइप हैं हमारे दो, जिससे हमें मालूम चल रहा है दो पाइप हैं, इसका मतलब इसको हम ट्विन पाइप सिस्टम बोलते हैं, है ना दोस्तों। ये दोनों ही पाइप हमारे पूरे ट्रॉली अंडर गियर में इस तरह से साथ साथ चलते हैं। ये हमारी डिवाइस जो लगी हुई है यहाँ पर, ये देखिए इसका फिटमेंट कहाँ पर है। ये वैगन का अंडर फ्रेम है, अंडर बॉडी हम कह सकते हैं, उससे हमारी ये एक APM डिवाइस लगी हुई है। ये डिवाइस है हमारी APMD, इसकी एक सेंसर आर्म है, मोबाइल आर्म। ये जो टोटल मूवमेंट जो इसका है वो 104। ये देखिए हमारी ये एक साइड फ्रेम है, साइड फ्रेम के जस्ट ऊपर इसको फिट किया जाता है सेंसर आर्म, ताकि मूव कर सके। ये जो सेंसर आर्म है, अगर हमारा ये वैगन खाली होता है, एम्प्टी होता है, उस कंडीशन में ये सेंसर आर्म मूव करती है, और साइड फ्रेम से थोड़ा सा इसमें कुछ गैपिंग रहती है, यानी ये सेंसर आर्म इसको टच नहीं करती है। और जब ये सेंसर आर्म इसको टच नहीं करती है, तो इसी से इसको मालूम चल जाता है, इस APM डिवाइस को, कि जो हमारा वैगन है वो खाली है। और यहाँ पर एक इंडिकेटर है, इसमें धूल लग गई है, ये इंडिकेटर, यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया हुआ है। इस इंडिकेटर को देखते भी अगर हमारा वैगन एम्प्टी है, तो यहाँ इस इंडिकेटर में हमारा प्रेशर रहता है, इसको देख के भी हम पता लगा लेंगे कि हमारा वैगन एम्प्टी है या लोडेड है। इसके साथ एक इसमें एक रिजर्वायर टैंक लगा हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 6.6 की है। एम्प्टी कंडीशन में इसका काम क्या है APM का, एम्प्टी कंडीशन में ये प्रेशर 2.2 ब्रेक सिलेंडर के पास भेजती है, और बाकी का जो बचा हुआ प्रेशर है वो यहाँ पर इस 6.6 लीटर के टैंक में स्टोर हो जाता है, और थोड़ा बहुत प्रेशर इस इंडिकेटर में यूज हो जाता है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम जो हमारा दिया गया है, ये देखिए आपको यहाँ पे एक डेड कलेक्टर लगा हुआ है, दो पाइप आपको दिख रहे होंगे। इस डेड कलेक्टर से कनेक्शन ये हमारा DB में आया हुआ है, ये हमारा DB है, ये DB हो गया, ये DB का क्विक रिलीज वाल्व हो गया, ये इसका आर चार्जर हो गया इसका, ये हमारा ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये हमारा कॉमन पाइप ब्रैकेट है। इसके पीछे एक आपको ये गोल जो टैंक दिख रहा है, ये कंट्रोल रिजर्वायर है, CR टैंक बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो CR टैंक ये हमारा हो गया। इसके आगे ये बड़ा टैंक लगा हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 100 लीटर होती है, ये हमारा AR टैंक हो गया। ये हमारा एक नॉन रिटर्न वाल्व NRV लगा हुआ है, इसमें एक तीर का निशान भी लगा होगा इस डायरेक्शन में, ये जो प्रेशर को केवल इस डायरेक्शन में आगे जाने देता है, रिटर्न प्रेशर नहीं आने देता है। यहाँ पर एक टू वे आइसोलेटिंग कॉक लगी होती है। ये आगे हम इसको अगर देखेंगे तो वहां पर एक हमें आगे एक डेड कलेक्टर दिख रहा है आपको, वो डेड कलेक्टर है। ट्रॉली को अगर हमें आइसोलेट करना है, तो ये हमारी एक थ्री वे आइसोलेटिंग कॉक लगी हुई है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको अंडर गियर में दिखा दिया वैगन की एक्चुअल पोजिशन क्या होती है। इस डायग्राम को अब हम अपने लाइन डायग्राम के द्वारा इसको समझेंगे और उसकी वर्किंग को जानेंगे। देखिए दोस्तों, डायग्राम मेरा बना हुआ है। यहाँ पर इस डायग्राम को मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ क्या है। ये जो हमारा है, ये ब्रेक पाइप मैंने बनाया हुआ है। इस ब्रेक पाइप में 5 केजी का प्रेशर है।
ये कट ऑफ एंगल कॉक COAC कट ऑफ एंगल कॉक हो गया, AH एयर होज लिखा हुआ है। ये जो है यहाँ पर ये थ्री वे हमारा डर्ट कलेक्टर है, थ्री वे डर्ट कलेक्टर लगा है, एक डर्ट कलेक्टर यहाँ पर लगाया है और एक डर्ट कलेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ये हमारा फीड पाइप है जिसमें 6 kg का प्रेशर है, इसमें भी कट ऑफ एंगल कॉक लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक आइसोलेटिंग कॉक यहाँ पर है और एक आइसोलेटिंग कॉक यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा एक NRV लगा हुआ है, नॉन रिटर्न वाल्व, जो क्या जिसका काम क्या होता है, AR क्या है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर टैंक, इसके प्रेशर को वापस इस डायरेक्शन में नहीं जाने देता है। ये प्रेशर जो है हमारा वो केवल यहाँ से इस डायरेक्शन में आगे जा पाएगा। प्रेशर की जो डायरेक्शन होगी केवल प्रेशर इस डायरेक्शन में आगे जाएगा और NRV इसको रिटर्न नहीं होने देगा। दोस्तों ये हमारा DV है, क्विक रिलीज वॉल्व हो जाएगा, ये इसका CR हो जाएगा, कंट्रोल रिजर्वायर। ठीक है दोस्तों, ये CPV कॉमन पाइप ब्रैकेट लगाया हुआ है जिसके द्वारा DV के सारे कनेक्शन किए गए हैं। DV से जो कनेक्शन है वो एक APMD ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस, किसका प्रेशर मॉडिफाइड हो रहा है, ये हमारे सिलेंडर लगे हुए हैं, ब्रेक सिलेंडर BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, इनके जिनका जिसका डाया 10 इंच का है, ये हमारे दो ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं BMBS सिस्टम में, तो इनके प्रेशर को ये डिवाइस मॉडिफाइड करती है। कैसे वर्क करती है इसको समझ लेते हैं। जैसे ही ब्रेक पाइप का प्रेशर रिड्यूस किया जाता है, AR टैंक का कनेक्शन DV ब्रेक सिलेंडर में कर देता है, लेकिन ब्रेक सिलेंडर से पहले यहाँ पर एक हमने डिवाइस लगा रखी है, तो यहाँ से प्रेशर कितना आता है, 3.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर APM के पास आता है। APM में क्या है, एक यहाँ पर सेंसर आर्म या मूवेबल आर्म लगी हुई है जिसका कनेक्शन एक साइड बॉडी, जो साइड है, ये APM हमारी किस में लगी होती है, अंडर फ्रेम में लगी होती है, वैगन के अंडर फ्रेम में, और ये साइड बॉडी जो हमारी ट्रॉली है उसका साइड फ्रेम, बोगी साइड फ्रेम है उसकी, ये ऊपरी वाली सरफेस है। ये जो आर्म है ये मूव करके यहां तक आ जाएगी, इससे टच हो जाएगी, तो इस कंडीशन में APM इस कंडीशन को लोडेड मानेगा। क्या मानेगा, लोडेड, यानी जो हमारा वैगन है वो लोडेड है, और जब वैगन लोडेड होगा तो उस कंडीशन में यहां से 3.2 का प्रेशर APMD के थ्रू ब्रेक सिलेंडर में पहुंच जाएगा। यानी दो कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन है, नंबर एक में लिख देता हूं, वैगन इज एम्प्टी, उस कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर होता है, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर BC प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, BC प्रेशर जो है वो हमारा 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जबकि अगर हमारा लोडेड है वैगन जो है हमारा, अगर वो लोडेड है उस कंडीशन में जो BC प्रेशर जो होता है हमारा ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर जाता है वो 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर हमारा ब्रेक सिलेंडर। अब ये कैसे अलग अलग जाता है, जबकि जो DV है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व वहां से तो 3.2 आएगा, तो ये APMD क्या करती है उसको हमें समझना है। यहां से प्रेशर 3.2 का इसमें आएगा, ठीक है, अगर हमारा वैगन लोड होगा, वैगन अगर लोडेड है तो APMD चूंकि वैगन की अंडर फ्रेम में है, तो APM की जो साइड आर्म है जैसे ही इसमें प्रेशर पहुंचता है तो ये साइड आर्म में प्रेशर के थ्रू इसका मूवमेंट होता है। अगर ये मूवमेंट इतना हो जाए कि ये साइड फ्रेम में टच कर जाए, जो बोगी की साइड फ्रेम है अगर इससे ये छू जाती है, तो इसको APMD ऐसे ट्रीट करता है कि जो वैगन जो है हमारा वो लोडेड है, और जैसे ही ये ऐसे ट्रीट होगा उस कंडीशन में 3.2 का जो प्रेशर है वो
ब्रेक सिलेंडर पे भेज दिया जाता है। और अगर ये साइड आर्म इससे टच ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एपीएमडी क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो ये 6.6 लीटर का यहाँ पे एक रिजर्वायर लगा हुआ है, जो 3.2 में से 2.2 कितने का 2.2 का प्रेशर प्लस 0.25 केजी का प्रेशर तो सिलेंडर में भेज देगी, और बाकी जो बचा हुआ प्रेशर वो इस रिजर्वायर में, ये जो एक हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर और लगा रखा है, इस रिजर्वायर में प्रेशर चला जाएगा। अच्छा, इस सिस्टम में हमें मालूम कैसे चलेगा ब्रेक लग रहे हैं? अगर यहां पर इंडिकेटर है, यहां पर इंडिकेटर अगर हमारा हमें पिंक कलर का या रेड कलर का हमें यहाँ पे मार्क शो हो रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारा ब्रेक है वो रिलीज होगा। अगर ये इंडिकेटर बाहर ना हो के अंदर है उस कंडीशन में ब्रेक हमारे अप्लाइड होंगे। अब इसमें जो मूवेबल आर्म है या जो सेंसर आर्म है इसका जो टोटल मूवमेंट कितना होता है तो इसको मैं लिख देता हूं। टोटल मूवमेंट जो होता है आर्म का, टोटल मूवमेंट ऑफ सेंसर आर्म, ये जो मूवमेंट है इसका 104 mm का होता है, 104 mm का इसमें मूवमेंट होता है, जिसमें से फर्स्ट जो हम 0 से 80 तक का जो मूवमेंट है, अगर 0 से 80 तक ही हमारी आर्म मूव कर रही है तो इसको लोडेड के लिए माना गया है, और अगर 80 के ऊपर अगर आर्म का मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब जो वैगन है हमारा वो एम्प्टी है। 80 mm से अबव का अगर मूवमेंट है हो रहा है आर्म का तो इसका मतलब जो हमारा वैगन है वो एम्प्टी है। ये अलग अलग उस डिवाइस के लिए इसकी जो लेंथ है वो अलग अलग है, जैसे बॉक्सेन एचएल या फिर हम कहें BCN HL, इसके लिए जो आर्म इसका जो मूवमेंट है जो मैंने यहाँ डायग्राम में 79 लिखा हुआ है ये हमारा 96 प्लस 1 mm का इसका मूवमेंट होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, कोई भी चीज़ अगर कहीं पे भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा, अगले वीडियो में जवाब दे सकता हूं और कमेंट में भी आपको जवाब दे सकता हूं। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।